गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है हमारा ये है क्लास 9 के ऊपर, और हम जो चैप्टर अभी पढ़ रहे थे वो था सर्कल चैप्टर था। सो आज जो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। सो यहाँ पे जब हम चैप्टर है ये, इसमें हमको नया टॉपिक शुरू करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है कि फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, जो कि चारों तरफ से क्लोज हो और जिसका एंगल सब जो है वो होगा 360 डिग्री। यानी कि अगर हम इसको ऐड करें चारों एंगल्स को, सो इट शुड बी 360 डिग्री। तो अगर इन तीनों को आप 360 डिग्री अगर सम आता है तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमको पता है। अब यहाँ पे हमको बताना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है। देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है, एक सर्कल ले लें हम, ये हमारे पास एक सर्कल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी जो चारों ये जो वर्टाइसेस हैं, ये जो एक वर्टाइस, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, ये चारों वर्टाइसेस इट शुड लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये होता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों जो वर्टाइसेस हैं, ये देखिए आपकी वर्टाइसेस जो है इसकी, ये इसके सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रही है। अगर हम इसकी नेमिंग करें, ये ए बी सी और डी, तो आप देखिए कि जो ए बी सी और डी, ये चारों के चारों जो हैं ये सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा सर्कल का सेंटर। तो इस तरीके का जो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी जो वर्टाइसेस हैं ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसको हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब सबसे पहले तो ये इसमें ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का छोटा सा डायग्राम है, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरम है इससे रिलेटेड, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से जो थ्योरम रिलेटेड है, ये है हमारी थ्योरम। अब ये है थ्योरम 10.11। अब जो थ्योरम है ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, थ्योरम नोट कर लीजिए। देखिए, जो यहाँ पे हमारी थ्योरम है, ये थ्योरम क्या कहती है यहाँ पे कि द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यानी कि जो सम है ईदर पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखिए मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये इसमें हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हम नेमिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा इसका सेंटर, ये हो गया ए बी सी और डी, ये तो हो गया वर्टाइसेस। अब अगर हम इसके एंगल्स मार्क कर लें, ये हो गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो ये हमारे पास हो गए चार एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। अब जो थ्योरम वो कहती है कि द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यानी कि जो अपोजिट एंगल्स हैं, जो अपोजिट एंगल्स हैं, ए के जो अपोजिट है वो है सी और जो बी के अपोजिट है यहाँ पे वो है डी, तो इनका जो सम होगा
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ध्यान रखिए, हम ये सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स, जो इधर अपोजिट एंगल्स हैं, इनका जो सम होगा इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि जब हम इसको देखेंगे, यानी कि इसका मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी 180 डिग्री हो जाएंगे और एंगल बी और एंगल डी भी 180 डिग्री हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला जो थ्योरम था वो ये कहता है कि जो इधर अपोजिट एंगल्स हैं, दैट मींस द एंगल ए एंड एंगल सी, द सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड सिमिलरली द सम ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये हमारा पहला थ्योरम था, ये इसका डायग्राम है और ये इसका थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की ये क्या कह रहा है। सो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये थी हमारी पहली थ्योरम। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है 10.12। जो थ्योरम है ये इसकी कन्वर्स है, अगर हम चाहें तो इसको नहीं भी नोट करें तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको मैं लिखवा दूंगा कि इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। यानी कि अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसमें एक क्वाड्रिलेटरल का ट्राइंगल्स का सम, सॉरी ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता है, ये ए बी सी डी, अब वो ये कह रहा है कि अगर इफ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 है और एंगल बी और एंगल डी इक्वल्स टू 180 है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है दिस विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये उसका बिल्कुल कन्वर्स हो गया। देखिए पहले वाले में हमने कहा था कि अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। अब हम कह रहे हैं कि अगर इनका सम 180 है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी कि हम दोनों में बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं। तो ये जो 10.12 है ये इसका कन्वर्स है। तो इसका मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो अब हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले कि जो कन्वर्स थ्योरम है वो क्या है। तो ये है हमारा जो सेकंड थ्योरम है कि इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। यानी कि वही बात है कि अगर दो एंगल, दो ऑपोजिट एंगल्स का सम एक क्वाड्रिलेटरल में अगर 180 डिग्री अगर उनका सम आ रहा है
तो वो जो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा वो हो जाएगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो ये हमारी थ्योरम 10.12 है, सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास जो दो क्वेश्चन थे यहाँ पे, दो हमारे पास जो थ्योरम्स थी, इनको हमने देखा कि ये किस तरीके से जो है ये वर्क करती हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, इनके बिना आप जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी ऐसी कंडीशन आएंगी क्वेश्चन में कि जिनमें आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आपको एंगल्स दिए रहेंगे, आपको प्रूव करना रहेगा कि प्रूव दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपके पास अगर एंगल्स की वैल्यू है, आप उनको ऐड करके आप बता सकते हैं कि हाँ ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, या आपको बताया गया कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, प्रूफ करो कि यह इसके एंगल्स अब 180 डिग्री हैं, या फाइंड करो कि दूसरे एंगल्स कितने होंगे, तो वो भी आप इजीली इनको यूज़ करके आप वहाँ पे से फाइंड आउट इनको कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पे बेस्ड जो है हम इस पे न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे, इस पे बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, हम उनको कंटिन्यू इसके आगे करेंगे। सो आज की क्लास में हमने जो थ्योरम्स थी वो क्या होती हैं और वो किस तरीके से अप्लाई होती है उनके बारे में हमने पढ़ा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।